दरअसल बिहार के पूर्णिया में आज महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। नीतीश ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र ने कुछ भी नया नहीं किया है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बार फिर कांग्रेस को सताने का न्योता दिया। नीतीश ने कहा कांग्रेस को देर नहीं करनी चाहिए, इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया, आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है बेचारे, सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने यह विकास किया, विकास का कोई काम किया। और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया, आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है बेचारे, सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं।